नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज। खबर शाहजहांपुर से है। 1.5 करोड़ की स्मैक के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर 1.5 करोड़ की स्मैक के तस्करी करने वाले दो अंतर्राज्यीय तस्करों को शाहजहांपुर की कटरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कटरा थाने की पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हुलास नगला फाटक से पहले खंबा फैक्ट्री के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर इब्राहिम व सलीम को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 750 ग्राम स्मैक व एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से स्मैक लाए थे और कहां ले जा रहे थे। पकड़े गए अभियुक्तों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जांच की जा रही है। मुकेश सक्सेना के साथ आरएस शर्मा की रिपोर्ट। थाना कटरा पुलिस द्वारा आज तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी गई है और इसमें दो अभियुक्त जिनका नाम इब्रान और सलीम है उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इनके हमारे द्वारा भी पूछताछ की जा रही है कि ये स्मैक जहां से कहां से प्रोक्योर करके लाए थे और कहां ये लेकर जा रहे थे। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।